हेलो स्टूडेंट्स टूडेज टॉपिक इज ऊर्ज रिएक्शन ऊर्ज रिएक्शन इज़ द कपलिंग ऑफ एल्किल हेलाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई इथार टू फॉर्म सिमेट्रिकल एल्कीन ऊर्ज रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे एक सी एच थ्री बी आर मीन्स मिथाइल ब्रोमाइड देखे सी एच थ्री बी आर और टुवि एन एंड एगेन एनदर बी आर एटाच डूथ सी एच थ्री मीन्स टू मॉलिकुल्स ऑफ सी एच थ्री बी आर एंड टुवि एन ए

गिव सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री इसमें क्या हो रहा है एक एलकेन जो सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री और सी टू एच सिक्स विथ ट्वाइस एनएबीआर रिलीज हो गया सिस्टम से मींस एक आर बी आर RBr अटैच विथ ईच अदर बाय द रिमूवल ऑफ ब्रोमिन टू गिव ए सीमेट्रिकल एलकेन तो अभी हम लोग जाएंगे इसका मेकानिजम में एक सी एच थ्री बी आर और इसका साथ में टुवाइस एन एनादर

again, sodium releases electron in dry ether. bromine is more electronegative than carbon. then one electron goes to this bromine, another electron for this bromine. it forms br minus br minus. then ch3 radical and ch3 radical forms c2h6 and br- minus br- minus attached with twice na to give twice na br मीन्स फ्री रेडिकल टाइप ऑफ मेकानिज्म एंड होमोलाइटिक टाइप ऑफ क्लीवेज इज द की पॉइंट फॉर ऊर्ज रिएक्शन तो ये हो गया हम लोगों का स्टार्टिंग का जो मेकानिज्म था बच्चों अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक सी एच थ्री बी आर बट वही वाला ट्रिक्स जो ऊपर में हम लोग लिखे हैं देंगे ब्रोमिन बट विथ सी टू ए फाइव मीन्स इथाइल ब्रोमाइड इन शॉर्ट में ड्राई इथर ड्राई इथार बट दिस वन इज एल्किल फास्ट आर वन अटैच विथ ब्रोमिन एंड इट इज आर टू एन अदर एल्किल

सारा पॉसिबिलिटी है ना आर वन का साथ में आर टू ये भी एक पॉसिबिलिटी तो इट गिव्स पहले एक कॉम्बिनेशन जो देखो आर वन आर वन मीन्स सी एच थ्री सी एच थ्री मीन्स सी थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री इट गिव्स इथेन Again, R2 R2 C2H5 single bond C2H5 means butane, or another one is CH3 and C2H5, then CH3 and C2H5 means propane. In case of two different bromides. इसमें alkane, ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन एल्केन प्रिपेयर होगा ऊर्ज रिएक्शन का हम लोगों का जो नॉर्मल मेकानिज्म है वो अभी हम लोग कर रहे थे नेक्स्ट अनदर टाइप ऑल आर एलिफेटिक इन द सिस्टम ऑल आर एलिफेटिक बट वेन यू स्टार्ट विथ एरोमेटिक रिंग

Removal of any BR but the mechanism is known as urge fetic, not the urge reaction, means in case of aliphatic and aromatic, it gives toluene by urge fetic reaction. इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ऊर्ज। ए हो गया हम लोगों का इंटरमोलिकुलर जो मेकानिज्म अभी हम लोग करेंगे एक इंट्रा इंट्रामोलिकुलर मेकानिज्म इंट्रामोलिकुलर नंबर फोर में नंबर फोर में करेंगे इंट्रा इंट्रामोलिकुलर स्टार्टिंग विथ कंपाउंड वन थ्री डायब्रोमो सैक्लोब्यूटेन एगेन टाइस एन ए इन ड्राईथर द होमोलटिक क्लीविज रिमेन सेम होमोलाइटिक क्लीवेज होमोलाइटिक क्लीवेज रिमेन्स सेम होमोलाइटिक क्लीविज It gives this type of radical and removal of twice NABR. Then bicyclo product is formed. Bicyclo 1, 2, 3, 4. Bicyclo. One one zero one one zero and four carbon means butane butane. It is known as it is known as intramolecular urge. Intramolecular because only one molecule. उसमें क्या था दो था इंट्रामोलिकुलर ऊर्ज ठीक है ना अब ये रिंग में हुआ अभी हम लोग करेंगे इसका एक ओपन चेन में ब्रोमीन। ओपन चेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन सिक्स डाइब्रोमो सिस्टम इन ओपनचेन हेक्सेन एगेन ट्वाइस एन ए एंड ड्राई इथार इट फॉर्म्स रेडिकल इन दिस पोजिशन बाई द होमोलाइटिक क्लीविज ऑफ सिग्मा बॉन्ड बाई द होमोलाइटिक क्लीविज

These are also known as intramolecular urge. Intramolecular urge sometimes gives different type of compound. One, two dibromo, one, two dibromo cyclobutane in dry ether it forms this type of radical it gives two type of product one is cyclobutene cyclobutene is formed by the formation of pi bond pi bond pi bond but another possibility

क्योंकि ये साइक्लोब्यूटीन उतना स्टेबल है नहीं तो ठीक है बच्चों आज का जो क्लास था हम लोगों का इसमें हम लोग ऊर्जा जो मेकानिज्म किए हैं फर्स्ट वन नॉर्मल सिमेट्रिकल एल्किन, देन ए मिक्सचर ऑफ एल्किन एंड नंबर थ्री इज ऊर्ज फिटिक एंड नेक्स्ट केस इन नंबर फोर इंट्रामोलिकुलर ऊर्जा रेडिकल डायमराइजेशन टाइप एंड नेक्स्ट वन ओपन चेन टू क्लोज रिंग फॉर्मेशन एंड लास्ट वन इज अ डिफरेंट केस फॉर समथिंग हायर लेवल तो साइक्लो ब्यूटीन और यहां पर टार साइक्लो तो ठीक है तुम लोग वीडियो को देखो और प्रैक्टिस करना बढ़िया से बोर्ड के लिए जेई के लिए एन के लिए ये सब मेकानिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक का और लाइक कर देना कमेंट सेक्शन में कुछ भी रिक्वायरमेंट रहेगा तो लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब करो और बार बार कॉपी में लिख के ये सारा जो मेकानिज्म है इसको प्रैक्टिस करना है थैंक यू